रेस्टोरेंट पे जाते हैं और महंगे महंगे पिज्जा खाकर आते हैं, तो क्यों ना आज सस्ते पे घर पे बहुत ही सुपर टेस्टी कम मेहनत में डिफरेंट तरह का पिज्जा बनाते हैं। तो देरी किस बात की, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको 6 से 7 आलू उबली हुई लेना है और आपको इन्हें ग्रेट करना, आपको अच्छे से ग्रेट करना है, चाहे तो आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए। आलू ग्रेट होने के बाद आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, साथ में आपको इसमें आधी चम्मच पिज्जा ऑरिगेनो डालना है और फिर आपको आधी चम्मच चिली फ्लेक्स भी डालना है और आपको 6 चम्मच आपको कॉर्नफ्लावर डालना है। इसके जगह पे आप अरारोट भी ले सकते हैं, चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, और आपको अच्छे से मसलते हुए डो को कंप्लीट करना है। आप इस तरह से पिज्जा बनाएंगे तो आप बाकी के पिज्जा खाना भूल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी है। और लीजिए, डो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर को डस्ट कर लेना है और फिर आपको डो को मसलते हुए लंबाई का शेप देना है, नाइफ से आपको कट करना है, 2 हिस्से में आपको डिवाइड करना है और फिर आपको 1 हिस्सा लेना है, बड़ी बड़ी लोई आपको कंप्लीट करना है और लोई को हथेली से थोड़ा फैला दीजिए और फिर से आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है और फिर आपको बेलन लेना है। बेलन से आपको हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना, आपको मोटा ही बेल कर कंप्लीट करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरह से आपको बेल कर कंप्लीट करना है। तो लीजिए, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जो साइड्स इसके क्रैकल है, इसको आपको दबाते हुए हल्के हल्के हाथों से अच्छे से सेट कर देना है, क्योंकि आलू बहुत ही आसानी से सही हो जाता है। अब आपको इसमें डालना है मोजरेला चीज़। आपके पास मोजरेला नहीं है, प्रोसेस है, स्लाइस है, जो भी चीज़ आपके पास रखी हो आप 20 सेंटर में इसे फिल कर दीजिए। अपने नाश्ते के हिसाब से आप चीज़ को ऐड कर दीजिए। और ऊपर से भी मैंने एक रोटी बना कर रखी थी आलू की, जिस तरह से मैंने आपको बेल कर दिखाई है, बस उसी तरह से मैंने दूसरी भी बेल कर कंप्लीट कर ली। और इसके ऊपर हमने रखते हुए अच्छे से प्रेस करते जाना है और आपको सेट कर देना है। और फिर आपको पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है, गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है और नाश्ते को डाल देना है। और थोड़ी देर बाद आपको ऊपर से प्लेट रख दीजिए और इसे टर्न कर दीजिए और ये देखिए, है ना सुपर टेस्टी। और फिर से आपको उसी पैन में इसे ट्रांसफर करना है और थोड़ी देर वेट करना है। नाश्ता इतना सुपर टेस्टी है कि आपको वेट करना ही पड़ेगा। और बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में आपको पलट पलट के नाश्ते को अच्छा कलर देना है, जब तक कि आपका नाश्ता क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना है। तो आप भी इस तरह से नाश्ते को बनाइए, सभी को दीजिए जो भी पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। मेरी यह गारंटी है, इस नाश्ते को खाएंगे तो पिज़्ज़ा खाना आप भूल जाएंगे। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।